नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक रेसिपी मैं लेके आया हूं साउथ ऑफ इंडिया से। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसे कहते हैं बन परोटा। ये बन जैसा दिखता है लेकिन है परोटा। खाया जाएगा एक कुर्मा के साथ जिसका नाम है वेल्लाई कुर्मा। तो आज बन परोटा और वेल्लाई कुर्मा पार्टी होगी, चलिए शुरू करते हैं। बन परोटा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो बनाएंगे और डो बनाने के लिए इसका लिक्विड तैयार करते हैं। यहाँ पर एक अंडे को फोड़ेंगे, उसमें मैं डाल रहा हूं एक चम्मच चीनी और आधा कप दूध। अब इसे अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। दूसरी परात में एक कप मैदा, उसमें आधा चम्मच नमक और एक चुटकी भर बेकिंग सोडा। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर अब ये दूध और अंडे का जो मिक्सचर बनाया है इसे अच्छी तरीके से मैदे में गूंद लिया जाए। डो हार्ड नहीं होना चाहिए, डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम डो होना चाहिए। अब मीडियम डो तैयार हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से इसकी मालिश कर लेंगे। अब ये डो बिल्कुल तैयार हो गया है, इसके ऊपर हल्का सा हमने तेल लगा दिया है। अब इसे कम से कम 20 से 25 मिनट रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर डो को लचीला बनाना है तो इसका जो ग्लूटेन है वो अच्छी तरीके से काम करना चाहिए और फिर उसके बाद डो जब लचीला बन जाएगा फिर बनाएंगे बढ़िया बन पराठे। तब तक हम बनाते हैं वेल्लाई कुर्मा। जी हाँ, इसके साथ खाया जाता है एक बढ़िया कुर्मा, वेज कुर्मा बना रहा हूँ। जनरली वहाँ पे अंडे का भी कुर्मा खाया जाता है, चिकन का भी खाया जाता है, मटन का भी खाया जाता है। आज हम वेज वेल्लाई कुर्मा बना रहे हैं। तो सबसे पहले मिक्सी जार में इसकी पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले कोकोनट, साथ में मैं डाल रहा हूँ एक बड़ा चम्मच काजू, एक छोटा चम्मच पॉपी सीड्स, एक छोटा चम्मच सौंफ, दो छोटी सिनेमन स्टिक्स, तीन छोटी इलायची, एक से दो हरी मिर्च डिपेंडिंग ऑन हाउ स्पाइसी, अदरक के दो छोटे पीस, साथ में 8 से 9 गार्लिक के पीसेस। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब बनाना शुरू करते हैं कोरमा। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे खड़े मसाले। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ थोड़ी सी सिनेमन, लवंग, काली मिर्च, स्टार अनीस और साथ में दगड़ फूल यानी कि स्टोन फ्लावर। ये बहुत ही पिक्यूलियर साउथ इंडियन महाराष्ट्रियन फ्लेवर है, बहुत अमेजिंग लगता है। अगर आपको ये ना मिले तो आप ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं, क्योंकि ये गेम चेंजर है, ये फ्लेवर चेंजर है इस डिश का। अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। चॉप किए हुए प्याज को हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है, लेकिन साथ साथ हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और साथ में स्लिट ग्रीन चिली। प्याज जैसे ही हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो उसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। प्याज और चॉप टमाटर साथ में अच्छे से पक जाना चाहिए, जब तक टमाटर एकदम बिल्कुल गल ना जाए, उसके बाद इसमें वो पेस्ट पकाई जाएगी। टमाटर बढ़िया से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर डाली जाए ये बढ़िया कोकोनट की पेस्ट। अब ये कोकोनट की पेस्ट जो है पैन में जाते ही थिक होनी शुरू होगी, इसलिए साथ ही में थोड़ा सा पानी भी इसमें हिला मिला के डाल दिया जाए। अब बढ़िया से ये पेस्ट को इसके अंदर पानी डाल के पका लिया जाए। साथ में इसमें डालेंगे सब्जियाँ। सबसे पहले आलू के डाइसेस पकेंगे, क्योंकि आलू पकने में टाइम लगता है। कभी भी आप मिक्स वेजिटेबल्स इस तरीके से एक स्ट्यू फॉर्म में या फिर एक सब्जी के फॉर्म में बना रहे हैं तो सब्जियों के डालने का स्टेप वाइज पैटर्न होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आलू सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा पकने के लिए तो आलू पहले जाएगा, फिर उसके बाद गाजर जाएगा, फिर गोभी जाएगी और फिर बीन्स जाएगी, क्योंकि हर एक का कुकिंग टाइम अलग अलग है, ताकि जब सब्जी एक साथ बन के रेडी हो तो एक सब्जी ओवर बॉयल ना हो जाए, इसलिए सारी सब्जियों को फेज वाइज डालना है। ये है आपकी डैडी टिप। अब ये वेज कुर्मा में डालेंगे थोड़े से गाजर,
गोभी, बीन्स, अब सारी सब्जियों के साथ कोरमे को अच्छे से पकाना है, वो इसलिए ताकि कोरमा का जो फ्लेवर है वो कच्ची सब्जियों के अंदर चला जाए। अब आलू ऑलमोस्ट 50% पकने के बाद हमने गोभी, गाजर और बीन्स को डाला है। ये 3 से 4 मिनट में आराम से पक जाएंगी। इसे या तो आप ढक्कन लगा के हल्की आंच में पका लें, या फिर अगर ओपन पकाना चाहें तो ओपन भी पका सकते हैं। जब तक ये पक रहा है तब तक बंद परोठा को लपेट लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही स्किलफुल चीज़ है, उसे ध्यान से देखिएगा। अभी जो बन परौठा बनाना है ये बेसिकली मालाबारी परौठा जैसे बनाते हैं वैसी बनाया जाएगा, उसी तरीके से उसे फ्लैप किया जाता है। अगर आप फ्लैप नहीं कर सकते तो आप बेलन से भी इसे रोल करके बना सकते हैं। देखिए डो जो है इतना बढ़िया से स्ट्रेची हो जाना चाहिए कि वो आराम से फैल जाए। तो चलिए बनाते हैं बन परौठा। सबसे पहले डो को काफ़ी सारे तेल में रखेंगे, अपने पाम को यूज़ करते हुए इसे स्ट्रेच करेंगे। अब इसे स्ट्रेच करते जाएंगे जब तक ये पतला नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा तेल और डाल लेते हैं ताकि हाथों में ये चिपके नहीं। अब ये बढ़िया से फ्लैटन हो गया है, अब इसे बेलन से या फिर इस तरीके से फटका मार मार के इसे पतला करना है। जैसे ये पतला हो जाए इसे एक साथ लेके आना है और फिर इसे रोल करना है। एक और तरीका यह है कि बेलन से बिल्कुल पतला रोल कर लेंगे और फिर इसको एक एनवलप की तरह रोल करेंगे और फिर सिगार की तरह रोल करके इसे इस तरीके से एक बन बना देंगे। अब ये बन्स तैयार हैं। अब इन बन को हमें पकाना है। थोड़ा ज्यादा तेल लेंगे क्योंकि हल्के तेल में शैलो फ्राई किए जाएंगे। अब ये दोनों तरफ शैलो फ्राई होने चाहिए, जलने नहीं चाहिए, हल्की आंच में से पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। अब ये बन परौठे बिल्कुल तैयार हैं, बढ़िया कुरमा तैयार है, इसके साथ अब इसे परोसा जाए। साउथ इंडिया की ये ब्यूटीफुल स्पेशलिटी बन परोठा एंड वेल्लाई कुरमा आपके लिए हमने परोस दिया है। आपके लिए हम इस तरह की नई नई रेसिपीज हर हफ्ते लेके आते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन। आपको क्या करना है आप जानते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सी यू सून।